अरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज मैं दोबारा आ गई हूँ वीडियो का तीसरा भाग लेकर, यानी कि पार्ट 3, जिसमें मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगी गोम्पा के अमूल्य हार का रहस्य किताब से, जो लिखी गई है सिमरन कौर के द्वारा। और हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि किस प्रकार जैंगबो सिंगफू के डाकुओं के गुफा से आज़ाद हो गया और अब वो अपने पिताजी वानग्याल को ढूंढ रहा है। तो आगे क्या होता है, आइए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जान सके कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैं एक पब्लिशर हूँ जो बच्चों की किताबें छापने के लिए ऐसे बच्चों की तलाश कर रही हूँ जिन्हें लिखने का शौक है और जिन्हें सुनने का शौक है कहानियाँ, वो भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस सेगमेंट में मैं लाऊंगी बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ हिंदी और इंग्लिश में। और अभी मैं जैंगबो के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ इस किताब से। और आज हम पढ़ेंगे पहाड़ी पगडंडी पर। तो आइए मैं कहानी शुरू करती हूँ। आखिर जैंगबो और जिंगजिंग बार थके मांदे व भूखे उस स्थान पर पहुंचे जहां पुराने अलाव के अवशेष पड़े थे, लेकिन वहां कोई ना था। जैंगबो अपने पिता को वहां ना पाकर उदास हो गया। उसके पास जिंग जिंग बार भी उदास खड़ा था। उसकी पूंछ जमीन पर लटकी हुई थी। शाम हो चुकी थी। हवा में बढ़ती सर्दी के कारण जैंगबो ने जल्दी जल्दी आग जलाने के लिए ईंधन एकत्र किया। उस रात उसके पास सोने के लिए भेड़ की खाल नहीं थी। वह अपने साथ कुछ खाने को भी नहीं लाया था। वह इस बारे में भूल ही गया था। वह थुप्पा के बारे में सोचने लगा तो भूख अधिक जाग उठी। कुछ ही देर में उसने सूखी टहनी और याक के गोबर से आग जला ली। जिंग जिंग बार उसके साथ ही लेट गया। जिंग जिंग बार की गर्मी से भी कुछ ठंड दूर हो गई। कल सुबह मैं पिता द्वारा छोड़े किसी चिन्ह या सुराग का पता लगाऊंगा, जैंगबो ने निश्चित किया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। वह वास्तव में बहुत थक गया था। अगली सुबह जब जैंगबो उठा तो उसे सर्दी लग रही थी और बदन ऐंठ गया था क्योंकि आग बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। लेकिन अब सूर्य निकल आया था और थोड़ी देर बाद ही वह अपने पिता द्वारा छोड़े किसी चिन्ह या सुराग की खोज करने लगा, जिससे पता चले कि उसके पिता कहाँ हैं। आधे घंटे की खोज के पश्चात भी जैंगबो को कुछ नहीं मिला। वह निराश और एकाकी महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने ऐसे ही पैरों के पास पड़े एक सफेद बड़े से पत्थर को ठोकर मारी। किसी ने उस पर जली लकड़ी से एक तीर बना दिया था। जैंगबो ने झुककर उसे ध्यान से देखा। तीर के पास ही एक चिन्ह था, उनका चिन्ह, गोल दायरे के बीच में क्रॉस का निशान। यह जैंगबो और वानग्याल के बीच गुप्त संकेत था। जैंगबो ने इस बात की खैर मनाई कि लद्दाख में इतनी कम वर्षा होती थी। यदि वर्षा हो जाती तो वानग्याल का संकेत धुल जाता। चलो जिंग जिंग बार, जैंगबो हर्ष से चिल्लाया। मैं दौड़कर नदी के पास पहुंचा और वहां से गुजरने वाले कई रास्तों को देखने लगा। उसने सब बड़े बड़े पत्थरों को देखा। आखिर उसे एक पत्थर पर तीर और उनका गुप्त चिन्ह मिल गया। तीर दादरफू नाम के एक छोटे गांव की ओर संकेत कर रहा था। लड़का और कुत्ता उसी रास्ते पर बढ़ चले। जल्दी ही वे फिर वानग्याल से मिलेंगे। जब वे दादरफू में वानग्याल से मिले तो वह उन्हें देख देख कर बोला, ईश्वर का धन्यवाद है कि तुम सुरक्षित हो। उसने जैंगबो को कसकर छाती से लगा लिया और जिंग जिंग बार के सिर पर हाथ फेरा। वानग्याल बोला, मैं रोज सिंगफू के डाकुओं के गुप्त अड्डे को खोजता था, मगर ये एक असंभव सा काम था। वानग्याल ने परेशान भाव से सिर हिलाया। जैंगबो मुस्कुराया। वह सब तो पीछे छूट गया था। वे एक बार फिर चीज़ी चू गोम्पा की अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। पवित्र वस्तु तो एक बार फिर जैंगबो के गले में सुरक्षित थी। अब उसने उसे कमीज के नीचे अच्छी तरह छिपा लिया था, जिससे वे किसी को नजर न आए। लेकिन यात्रा पर चलने से पहले दादरफू की पुलिस उनसे मिलने आई। हमें बताओ कि हम सिंगफू के कुख्यात डाकुओं को कैसे पकड़ सकते हैं, उनके अफसर ने कहा। जैंगबो बोला, मैंने चट्टानों में निशान खोदे हैं। आप उन्हें देखते हुए जाइए तो ठीक उनके अड्डे के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें पकड़ सकते हैं। इस तरह से आप उनके घर पर ही उन्हें पकड़ सकेंगे, वानग्याल ने हंसकर कहा। जैंगबो और वानग्याल खच्चरों के काफिले में शामिल हो गए जो एक सप्ताह में वहां से चलने वाला था। वह काफिला बड़ा लाशाला से होता हुआ स्पीति से गुजरता हुआ हिमालय के दूर दूर के स्थानों तक जाएगा और हजारों मुस्कानों वाले बुद्ध के गोम्पा की दीवारों के पास से निकलेगा। इस काफिले का सरदार चंद्र सिंह नाम का लाहौल निवासी था। वह छोटे कद का मजबूत व्यक्ति था जो काफिले के सबसे आगे वाले खच्चर के साथ दौड़ता था। चढ़ाई हो या उतराई, वह दौड़ता रहता था। वह जरा भी थकता नहीं था और बड़े मीठे स्वभाव का था। हवा और धूप झेलने से इसका चेहरा झुर्रीदार हो गया था। कानों में वह सोने की बड़ी बड़ी बालियां पहनता था। चंद्र सिंह ने वादा किया, मैं तुम्हें चीजी चू गोम्पा तक ले जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें रास्ते में मेरे काफिले की सहायता करनी होगी, वानग्याल ने गंभीरता से उत्तर दिया।
जितना हमसे हो सकेगा हम उतना जरूर करेंगे। यात्रा में चंद्र सिंह अच्छा साथी था। रास्ते में हम 5 लोग होंगे, 2 तुम, मेरा भाई हरि सिंह और नोरबू। नोरबू के पास अपने खच्चर और घोड़े हैं, चंदर कहता रहा, मगर रास्ते में वह हमारे साथ साथ चलना पसंद करता है। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, इसके अतिरिक्त हिमालय के ऊपर ठंडे भागों में बड़ा अकेलापन महसूस होता है। आओ तुम्हारा परिचय हरि सिंह और नोरबू से करा दूं। अभी उन्हें चलने में 1 सप्ताह था, इसलिए जैंगबो और वानग्याल के पास अपने साथियों से अच्छी तरह परिचित हो जाने के लिए काफी समय था। हरि सिंह बिल्कुल वैसा ही था जैसे चंद्र सिंह ने कहा। वह शायद ही कभी बात करता था। वह सुंदर और आलसी युवक था। उसे चुपचाप बैठकर बांसुरी पर धुन बजाना बहुत अच्छा लगता था। नोरबू लंबा और पतला आदमी था। उसके दाएं गाल से ठोड़ी तक एक चोट का लंबा निशान दिखाई दे रहा था। चोट के निशान के बारे में जब लोग पूछते तो वह उन्हें बताता था, मैं लोहे की कील पर गिर पड़ा था। लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। वे आपस में कहते थे, किसी लड़ाई में चाकू लगा होगा। नोरबू एक मशहूर व्यापारी था। वह बाजारों में डटकर मोल तोल करता था और उसने व्यापार में कभी हानि नहीं उठाई थी। उसका स्वभाव भी काफी मैत्रीपूर्ण था। वह प्रायः मुस्कुराता रहता और बहुत सारे लोगों को जानता था। वह हमेशा ही लोगों को पुकारता और मिलने पर उनके कंधे को थपथपाता दिखाई देता, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वास्तव में नोरबू कहाँ का निवासी था। क्या वह तिब्बत से था या लद्दाख से, हो सकता है सिक्किम से हो, यह पता लगाना असंभव था, क्योंकि वह अलग अलग समय पर अलग अलग बातें करता था। नोरबू अपने काले बाल कंधे तक लंबे रखता था और उसकी झुकती हुई मूछें डाकू सरदार पुलजोर से मिलती थी। वह मुलायम ऊन के कीमती कपड़े पहनता। उसके जूते घुटनों तक थे। गर्म कपड़े और चमड़े के बने हुए और ऊन पर कढ़ाई का काम हो रहा था। सारे क्षेत्र में उस जैसा चाकू चलाने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे काठियों और साज को मरम्मत करने में एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। चंद्र सिंह दादरफू के व्यापारियों से पूछता फिर रहा था कि वह उनकी क्या क्या वस्तुएं ले जाएगा और वहां से आती बार उनके लिए क्या लाएगा। दादरफू की संकरी मुख्य सड़क पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते जाते थे। घुटे सिर और छोटी आंखों वाले बौद्ध भिक्षु, लंबी और गुंथी चोटियों वाले तिब्बती जो रंग बिरंगे कपड़े और फेल्ट के बने नरम जूते पहने होते थे। वहां मुस्कुराती गुलाबी चेहरे वाली लाहौली औरतें ढेर सारे जेवर, हाथ, बाजू, नाक, कान व गले में पहने दिखाई देती थी। वहां मैदानों के लोग भी दिखाई देते थे, लेकिन वे हिमालय की पृष्ठभूमि में जचते नहीं थे। चंद्र सिंह बाजार के ठीक नीचे एक घास के मैदान में, जिसके पास से नदी बहती थी, अपना डेरा जमाया था। कुछ ही समय बाद वे स्थान आटे, चावल, चाय और चीनी व गुड़ के बोरों से भर गया और मैदान की छोटी छोटी बिकाऊ वस्तुएं भी वहां ढेर सारी जमा थी। इन चीजों के बदले से हिमालय निवासी चमड़ा और कंबल, याक के बालों के मजबूत रस्से और पश्मीना ऊन देते थे। ये चीजें अन्य स्थानों में अच्छे दामों पर बिक जाएंगी। एक शाम चंद्र सिंह ने हुक्का गड़गड़ाते हुए बताया, हम कल सुबह चल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह जब जैंगबो लोगों की आवाजें सुनकर जाग उठा तो बाकी लोग पहले ही उठ चुके थे। उनकी आवाजों की हल्की मन मन गूंज रही थी तथा खच्चर और घोड़े हरी घास को ललचाए ढंग से खाते हुए हिन हिना रहे थे और खुर पटक रहे थे। एकाएक जैंगबो को याद आया कि वह आज चीजें जो गोम्पा की ओर जा रहे थे। ये सोचकर वह उत्तेजित हो रहा था कि रास्ते में कुछ और रोमांचक घटनाएं घटेंगी। चीजी चुगोम्पा पहुंचने में काफी समय लगता था और बीच में कुछ भी हो सकता था। वह जल्दी से अपनी भेड़ की खाल के बिस्तर में से निकला और खच्चरों व घोड़ों को इकट्ठा करने में सबकी सहायता करने लगा। जिंग जिंग बार भी उत्तेजना से भौंकता हुआ उसमें शामिल हो गया। जैसे ही वे सब तैयार हो गए, खच्चरों का कारवा हंसी और प्रसन्नता की चीख चिल्लाहटों के साथ चल पड़ा। चीखने चिल्लाने व गालियों के स्वर के साथ खच्चरों के गले में पड़ी घंटियों के आवाज के कारण नदी के शोर की आवाज भी कुछ देर के लिए दब गई। वे सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में चल रहे थे। जैंगबो को याद नहीं कि उसे इससे ज्यादा आनंद कभी आया हो। वे पहाड़ों में प्रसन्न रहता था, जैसे ऊंचे पहाड़ी शिखरों पर निवास करने वाली सुंदर पहाड़ी बकरियां। उन्होंने कई छोटे छोटे दर्रे तूफानी झंझावतों में पार किए, कई तेजी से बहती नदी नालों को कुशलता से पार किया जिनका पानी इतना तेज था कि घोड़े को भी बहाकर ले जा सकता था, और आखिर में बड़ा लाशाला पहुंचने के लिए वे ऊपर चढ़ते हुए बर्फ के खतरनाक पुलों पर जा पहुंचे। प्रतिदिन रास्ता और ज्यादा खतरनाक होता जाता था। एक दिन जब वे रोड़ियों से ढके एक ढलान को पार कर रहे थे तो एक घोड़े का पैर फिसल गया और वह उस खड़ी चढ़ाई से नीचे खाई में गिर पड़ा। जैंगबो भयभीत सा देखता रह गया। असहाय पशु उसके निकट से लुढ़कता पत्थर और मिट्टी उड़ाता नीचे की चट्टानों पर जा गिरा। इस तरह गिरने से जीवित बचना तो असंभव ही था।
देखो बचो, चंदू सिंह जोर से चिल्लाया और फिर अगले ही पल उसकी आवाज गूंजी, चट्टानें फिसल रही हैं। नोरबू ने लॉकेट देखा। घोड़े के गिरने से कंकड़ पत्थरों की वे पूरी ढलान जिस पर वे चल रहे थे हिल गई थी। जैंगो ने इस तरह से पत्थर गिरते पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ ही क्षणों में बड़े बड़े ढेले और चट्टाने पहाड़ी ढलान पर गिरने लगी और ऐसे उछलती हुई लुढ़कने लगी मानो फुटबॉल हो। नोरबो जैंगो के बिल्कुल पीछे था। उसने उसे धक्का दिया और पत्थर गिरने के शोर में ऊंचे स्वर में कहा, लेट कर अपना सिर बचाओ। जैंगो चुपचाप पहाड़ी ढलान के साथ चिपका लेटा रहा और सिर को बचाने के लिए हाथों से ढक लिया। वह जिंगजिंग बार की बालदार देह को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। गिरते पत्थरों का शोर भयानक और आतंकित कर देने वाला था। चारों ओर धूल घने बादलों की तरह उठ रही थी। कुछ देर तक वे कुछ नहीं देख सके। काफी देर बाद ऐसा लगा जैसे युग बीत गया हो, चट्टानों का गिरना बंद हो गया। जैंगो ने उठकर अपने कपड़े झाड़े। इस हड़बड़ी में लॉकेट उसकी कमीज से बाहर निकल आया। वह सूर्य के साफ सुथरे प्रकाश में खूब चमक उठा। जैंगो ने उसे जल्दी से अपनी कमीज के अंदर कर दिया, लेकिन फिर भी इतनी देर तो हो ही गई कि नोरबू ने उसे देख लिया। वह सम्मोहित सा उसी स्थान पर खड़ा रहा। जैंगो तेजी से बढ़कर बाकी लोगों के साथ जा मिला। वह नहीं चाहता था कि वह चीजी चुगुम्पा के पवित्र अवशेष के बारे में नोरबू के उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे। नोरबू का दिल तो पूरी तरह चीजी चुगुम्पा के उस पवित्र हार की सुंदरता से मुग्ध हो गया था। उसने सौगंध खाई कि जब तक वह लॉकेट को पा नहीं लेता, चैन नहीं लेगा। उस दिन से जैंगो ने कई बार नोरबू को उसे घूरते हुए देखा, लेकिन जैंगो को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक वानग्याल और जिंगजिंग बार उसके साथ थे, नोरबू उससे लॉकेट छीनने और उसे किसी तरह की हानि पहुंचाने का साहस नहीं करेगा। लेकिन एक दिन जैंगो पास की नदी से एक बाल्टी पानी लेने गया। तब जब वह वापस आ रहा था, मार्ग पर एक परछाई पड़ी। नोरबू ने उसका रास्ता रोक रखा था। उसके बाएं हाथ में एक पतला लंबे फल का चाकू था। उसे देखकर जैंगो भय से कांप उठा। नोरबू ने जैंगो से पूछा, उस कीमती लॉकेट का तुम क्या करोगे? नोरबू की आवाज धीमी और चिकनी थी, जैसे जंगली बिल्ली की धीमी गुर्राहट। ये मेरा नहीं है, जैंगो ने उत्तर दिया। ये चीजी चुगुम्पा का है, हजार मुस्कानों वाले बुद्ध भगवान का। नोरबू बोला, ये जल्द ही मेरा होगा। जैंगो ने बड़े साहस के साथ कहा, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। नोरबू ने जैंगो को मनाने की कोशिश की। जैंगो, लॉकेट मुझे दे दो, तब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जैंगो ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह यह सोचने में व्यस्त था कि किस तरह नोरबू से पिंड छुड़ाकर शिविर में सुरक्षित पहुंचा जाए, और वहां से कुछ दूरी पर था। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो नोरबू उसे आधे रास्ते में ही पकड़ लेगा, या वह उसकी पीठ में चाकू मारकर उसे वहीं गिरा देगा। आखिर लोग नोरबू को ऐसे ही तो बाएं हाथ से चाकू फेंकने वाला नहीं कहते थे। जैंगो हताश हो रहा था। वह अपनी पीठ में चाकू लगने से नहीं मरना चाहता था, साथ में वह किसी चीज के बदले में चीजी चुगुम्पा का पवित्र हार भी नहीं देना चाहता था। बहुत चिंतित होकर जैंगो ने चारों ओर जिंगजिंग बार को ढूंढा, लेकिन कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह सदा की तरह चूहों का पीछा कर रहा था। नोरबू अब गुस्से से फुफकारता हुआ बोला, ठीक है, यदि तुम स्वयं नहीं देते तो मैं तुमसे लॉकेट जबरदस्ती छीन लूंगा। उसने कदम बढ़ाए जिससे जैंगो को पकड़कर उसे लॉकेट छीन ले, लेकिन ठीक उसी समय नोरबू के बिल्कुल पीछे व्यापारियों का एक दल घूमकर आता दिखाई दिया। वे सब बाएं हाथ से चाकू फेंकने वाले नोरबू को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने एक साथ नोरबू का अभिवादन किया। नोरबू झूले त्योरिया चढ़ाकर नोरबू उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए घूम पड़ा। उसी क्षण जैंगो ने बाल्टी उठाई और वहां से भागा। इस बार हजार मुस्कानों वाले बुद्ध भगवान ने उसकी मदद की थी। लॉकेट गायब हो गया। जैसे जैसे वे चीजी चुगुम्पा के निकट आते जा रहे थे, नोरबू बेचैन और मनमौजी होता जा रहा था। एक दिन चंदर सिंह ने बड़बड़ाते हुए वानग्याल से कहा, नोरबू शिविर में सारा दिन चाकू फेंकता रहता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये सब मुझे बड़ा बेचैन करता है। वानग्याल ने सहमत होते हुए कहा, मुझे भी। किसी ने भी नोरबू से कुछ न कहा। उनका ख्याल था कि उसे अधिकार है कि शांति पाने के लिए जो मर्जी करे। केवल जैंगबो सच बात जानता था कि नोरबू ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। नोरबू चीजी चुगुम्पा का पवित्र लॉकेट अपने लिए चाहता था। वह इसे लेकर इतना सम्मोहित था कि ना वह ठीक से खाता था और ना ठीक से सोता था। जहां कहीं भी जैंगबो जाता, नोरबू की दृष्टि उसका पीछा करती। जैंगबो अब सावधान रहता था कि वह कभी कैंप से दूर और अकेला ना हो। उस दिन की याद करके जब नोरबू ने करीब करीब उसे जबरदस्ती लॉकेट छीन ही लिया था, वह कांप उठता था। फिर एक दिन बहुत सवेरे ही हरि सिंह की उत्तेजित चीख पुकार ने पर्वतों की शांति को भंग कर दिया। वह चला गया है, वह चला गया, चंद्र सिंह का भाई चिल्ला रहा था। नोरबू चला गया है। चंद्र सिंह, वानग्याल और जैंगबो तुरंत अपने गर्म बिस्तरों से बाहर निकलकर चुपचाप शिविर का निरीक्षण करने लगे।
जैंगो ने वह स्थान देखा जहां नोरबूस रात सोया था, जहां उसने घोड़ों की काठियां और साज व व्यापार का सामान रखा था। उसने वह स्थान भी देखा जहां उसे 5 तेज घोड़े बांधे गए थे। जब स्थान खाली दिखने लगा तो कहीं उसका नामो निशान ना होकर यह अनुमान सबको लग गया। जैंगो सोच रहा था कि वह रात के अंधेरे में एक चोर की तरह क्यों भागा। भगवान का धन्यवाद है कि वह चला गया है, जैंगो ये सोचकर मुस्कुराने लगा। अब पवित्र लॉकेट सुरक्षित है। उसने अपना हाथ अपनी कमीज के भीतर डाला कि ठंडे कठोर लॉकेट को छू सके, मगर वहां तो कुछ नहीं था। एक बार तो उसके हृदय की धड़कन बंद ही हो गई। अरे नहीं, वह चिल्ला उठा। वानग्याल ने जैंगो का चिल्लाना सुना तो मुड़कर बोला, क्या हुआ? लॉकेट, जैंगो ने अत्यंत निराशा से कहा, लॉकेट चला गया है, वह पवित्र हार ले गया है। वानग्याल भी स्तब्ध मौन जैंगो को देखता रहा। और तब जैंगो ने वानग्याल को कहानी सुनाई कि किस तरह नोरबू ने चीजें जो गोम्पा का पवित्र हार उस दिन देखा था जब चट्टानें फिसल रही थी और ऊपर से पत्थरों की बौछार हो रही थी, और कैसे वह उसे अपने लिए पाना चाहता था। तुम्हें मुझे ये सब बताना चाहिए था, वानग्याल ने उदास होकर कहा। तब शायद ये सब ना होता। भगवान जाने हम नोरबू को पकड़ पाएंगे या नहीं, कभी उस पवित्र लॉकेट को फिर देख भी पाएंगे। वे दोनों एक दूसरे को निराशा से देखते रहे। अब हम क्या करें, जैंगो ने पूछा। उसे बड़ा खेद हो रहा था। वानग्याल कुछ देर सोचता रहा। पहले हम चीज़ीचू गुंपा जाकर वहां के मुख्य लामा से मिलेंगे, तब हम लॉकेट पाने के लिए नोरबू का पीछा करेंगे। तब तक नोरबू कई मील दूर निकल गया होगा, तब उसका मिलना असंभव ही होगा, जैंगो ने हताश होकर कहा। वानग्याल ने गंभीर चेहरे से देखते हुए कहा, यदि हमें पृथ्वी के दूसरे छोर तक या तिब्बत भी जाना पड़े तो भी हम नोरबू को ढूंढ निकालेंगे। 2 दिन बाद वे बजरी वाले मैदान में चीज़ीचू गुंपा के नीचे था पहुंच गए। जैंगो बोला, ये गोम्पा तो हजार मुस्कानों वाले भगवान बुद्ध के घर के बजाय किसी किले जैसा लगता है, बहुत ही शानदार है। सुंदर बौद्ध विहार साफ नीले आकाश की पृष्ठभूमि में ऐसे लग रहा था मानो किसी ने वहां नक्काशी की हो। ये विहार जिस स्लेटी सफेद चट्टान पर खड़ा था उसी तरह के पत्थरों से बना होने के कारण उस चट्टान का हिस्सा जैसा लगता था। उसका शिखर देखने के लिए जैंगो को अपना सिर बिल्कुल पीछे ले जाना पड़ा। जब वे विहार के काफी निकट आ गए तभी उन्हें भिक्षुओं की छोटी छोटी आकृतियां विहार की सबसे ऊंची मीनारों पर दिखाई दी। आखिर कई सप्ताह की यात्रा कठिनाइयां झेलने के बाद उन्होंने अपने को प्रसिद्ध चीज़ीचू गुंपा के द्वार पर पाया। उनके दिल दुखी थे। जब उन्हें चोरी गए लॉकेट का ख्याल आया तो उन्हें लगता इतने दिनों का परिश्रम और कठिनाइयां झेलना व्यर्थ ही रहा। वे गुंपा के द्वार पर खड़े थे जैसा कि आंगचुक का आदेश था, मगर अफसोस ये था कि वे खाली हाथ थे। हिमालय के संत की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली थी क्योंकि चीज़ीचू गुंपा का पवित्र लॉकेट अब और भी दूर पहुंच गया था। नोरबू जानता था कि लॉकेट हजार मुस्कान वाले बुद्ध की प्रतिमा का है, लेकिन उसने उसकी कोई परवाह नहीं की थी। वह जाकर उस अजनबियों के हाथ बेचने वाला था जो उसे यहां से दूर बहुत दूर ले जाएंगे। हो सकता है कि दूसरे धर्म वालों के हाथों में चला जाए, उनको इसके मूल्य का क्या पता। ऐसे समय चीज़ीचू गुंपा आना बहुत दुखी कर रहा था। चंद्र सिंह ने अपना कारवा विहार के नीचे खड़ा कर दिया। वानग्याल ने चंद्र सिंह से हाथ मिलाते हुए कहा, हमें यहाँ लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर तुम्हारा भी भला करे, चंद्र सिंह बोला और उसने अपने खच्चर व घोड़ों को चलने का संकेत किया। जैंगो और वानग्याल खड़े हुए दोनों भाइयों को तब तक देखते रहे जब तक कारवा घंटियां टनटनाता सड़क पर मोड़ घूमकर दृष्टि से ओझल ना हो गया। तब वे विहार की ओर मुड़े। चीज़ीचू गुंपा के मुख्य लामा ने मुस्कुराकर अतिथियों का स्वागत किया। उसने उन्हें एक छोटा कमरा जिसमें गलीचे और गद्दियां पड़ी थी दिखाकर कहा, तुम इस कमरे में आराम करो, हम बाद में जब तुम तरोताजा हो जाओगे तो बातचीत करेंगे। जैंगो और वानग्याल ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर कुछ आराम कर लिया। फिर वे मुख्य लामा को खोजने लगे जिसकी आयु का पता नहीं चलता था और जो बहुत दयालु था। मक्खन की स्वादिष्ट चाय पीते पीते वानग्याल ने मुख्य लामा को चीज़ीचू गुंपा के पवित्र लॉकेट की पूरी कहानी सुना दी। जब वानग्याल बातें कर रहा था तो मुख्य लामा की ढकी हुई त्रिकालदर्शी आंखें उसके चेहरे से एक पल को भी ना हटी। जब वानग्याल ने अपनी कहानी समाप्त की तभी वृद्ध लामा ने बोलना आरंभ किया। हाँ, आदरणीय लामा ने बोलना आरंभ किया, मुझे सपना आया था कि पवित्र अवशेष वापस गुंपा में लाया जा रहा है, लेकिन मेरे जागने से ठीक पहले गुंपा धुंध से ढक गया। उसके स्थान पर मैंने एक आदमी को सूर्यास्त की दिशा में भागते हुए देखा। उसके साथ 5 तेज घोड़े थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। हमने पवित्र अवशेष की बहुत लंबी प्रतीक्षा की है, मुख्य लामा ने मृदुता से कहा। प्रत्येक भिक्षु अपनी प्रार्थना में इसका नाम लेता है। लामा खिन्न मन से गहरी सांस लेकर उठ गया। जैंगो व वानग्याल ने भी उनका अनुकरण किया।
मुखे लामा ने जैंगो के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तुम शांति से रहो, पश्चिम की ओर जाओ। उन्होंने बताया, हमारा एक युवा भिक्षु उसी क्षेत्र का रहने वाला है, वह तुम्हें पहाड़ों के ऊपर से छोटा रास्ता दिखा देगा, एक गुप्त रास्ता है जो केवल वही जानता है। ये काम कठिन है मगर हिम्मत रखो, तुम्हारा काम भगवान बुद्ध का काम है इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मुख्य लामा ने हजार मुस्कानों वाले भगवान बुद्ध की ओर से आशीष दी, फिर वे चले गए, जिससे जैंगो एवं वानग्याल उस यात्रा के लिए तैयार हो जाए जो उन्हें दर्रों के पार ले जाएगी। तो आज मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और अगले पूरे इस किताब को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी अपने अगले वीडियो के द्वारा। और अब बहुत ही एक कहानी में एक अलग मोड़ आ गया है कि लॉकेट चीज़ीचू गोम्पा तक पहुँचाना था, लेकिन बीच में नोरबू उस लॉकेट को लेकर भाग गया। अब ये लोग चीज़ीचू गोम्पा पहुँच गए हैं पर बहुत मायूस महसूस कर रहे हैं वानग्याल और जैंगो। तो अब आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस सफ़र पर कहानियों के, किस्सों के, जहाँ मैं सुनाऊँगी अच्छी अच्छी कहानियाँ बच्चों को। और बहुत सारी और भी किताबें मेरे पब्लिशिंग हाउस से आने वाली हैं इस साल के, अभी ख़त्म एंड पर हैं हम लोग, तो अभी तो एक हॉरर बुक आ रही है और नए साल पे और भी बहुत सी बुक्स आएंगी। तो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और तुरंत अपडेट पाने के लिए उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।